पेटीएम के शेयरों में सोमवार को जोरदार तेजी आई, इससे निवेशक काफ़ी खुश नजर आए। कंपनी के फाउंडर विजय शिखर शर्मा बिना कोई कैश खर्च किए इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक पेटीएम की सबसे बड़ी शेयरधारक एंटफिन है, लेकिन अब विजय शेखर शर्मा एंटफिन से 10.30% हिस्सेदारी वापस खरीदने जा रहे हैं। इससे एक तरफ जहां एंटफिन की हिस्सेदारी घट जाएगी, वहीं दूसरी तरफ विजय शेखर शर्मा पेटीएम के सबसे बड़े शेयरधारक बन जाएंगे। इसी खबर के बाद से पेटीएम के शेयरों में आज जोरदार खरीदारी देखी गई है। विजय शेखर शर्मा बिना कैश खर्च किए ये हिस्सेदारी कैसे खरीद रहे हैं और पेटीएम के लिए इसके क्या मायने हैं, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। विजय शेखर शर्मा ने एंटफिन से 10.3% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। मौजूदा भाव के लिहाज से यह डील करीब 5,000 करोड़ रुपये की है। विजय शेखर शर्मा इस हिस्सेदारी को रिजिलेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए खरीदेंगे। यह कंपनी उनकी खुद की है जिसमें उनकी पूरी 100% हिस्सेदारी है। अभी पेटीएम में विजय शेखर शर्मा के पास करीब 9% के आसपास हिस्सेदारी है। डील पूरी होने के बाद उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 19.42% हो जाएगी और वह पेटीएम के सबसे बड़े शेयरधारक बन जाएंगे। साथ ही उनका कंपनी पर कंट्रोल भी पहले से ज़्यादा हो जाएगा। खास बात यह है कि विजय शेखर शर्मा को यह पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए कोई भी कैश नहीं देना है। इसके बदले वह एंटफिन को करीब 5,000 करोड़ रुपये के OCD यानी कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करेंगे। OCD का फ़ायदा यह है कि इस पूरी डील के बाद भी एंटफिन के कंपनी में आर्थिक हित बरकरार रहेंगे, बस उनका वोटिंग राइट कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विजय शेखर शर्मा की जेब पर भी कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। बाजार को यही बात पसंद आ रही है जो इसके शेयरों में तेजी साफ पता चलती है। पेटीएम के शेयर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर से करीब 100% ऊपर जा चुके हैं। हालांकि यह अभी भी अपनी इशू प्राइस यानी कि 2150 रुपये के भाव से काफ़ी दूरी पे है। देखना होगा कि पेटीएम वापस इस स्तर तक कब तक आता है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और शेयर मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।